डिजाइन बनाने के लिए हमने गले की कटिंग पहले से ही करके रखी हुई है। इसके बाद हम एक लंबी पट्टी लेंगे जिसकी लंबाई सॉरी जिसकी चौड़ाई कम से कम 3 से 4 इंच होनी चाहिए। इसके बाद हम इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे और इस पर एक सीधी सिलाई चला लेंगे। सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहां से धागे को कट कर देंगे और सुई धागे की मदद से इसे पलट कर सीधा कर लेंगे। ये देखिए हमने इसे पलट कर सीधा कर दिया है। अब हम इस्त्री की सहायता से इसे अच्छे से बैठा लेंगे। तो ये देखिए इस्त्री की सहायता से हमने इसे अच्छे से बैठा लिया है। इसके बाद हम 2.5 इंच पर एक मार्क करेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हम 2.5 इंच पर मार्क करते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हमने जो पट्टियां कट की थी उसे लेंगे और इस तरह से फोल्ड करते हुए हम गले के ऊपर इसे रखेंगे और इस पर एक सिलाई चला लेंगे। इसके बाद हम फिर से एक पट्टी लेंगे और इसी तरह से फोल्ड करेंगे और थोड़ी सी दूरी पर इसे हम फिर से लगा लेंगे। इसी तरह से हम सारे पट्टियों को गले में लगा लेंगे। तो हमने सारी पट्टियों को लगा के कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहां से धागे को कट कर देंगे। इसके बाद हम एक लेस लेंगे और इस तरह से गले के ऊपर रखते हुए इस पर एक सिलाई चला लेंगे। तो सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहां से धागे को कट कर देंगे और जो एक्स्ट्रा लेस है इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें एक और सिलाई लगाएंगे ताकि हमारा लेस जो है वो अच्छे से बैठ जाए। तो ये सिलाई भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहां से धागे को कट कर देंगे। इसके बाद हम सुई धागे की मदद से इस तरह से इसके बीचों बीच सिलाई लगाएंगे। इस तरह हमें हाथों से ही इसमें बीचों बीच सिलाई लगाना है। इस तरह से हमें इसे खींच के इसमें एक अच्छा सा फ्लावर का शेप दे देना है। इस तरह से इसके बाद हमें इसमें मोती अटैच करना है। इस तरह से हम एक मोती लेंगे और सुई धागे की मदद से इसमें लगा लेंगे। अब हमें इसे पक्का कर देना है। इसी तरह से हमें साड़ी में डिजाइन को बना के रेडी कर लेना है। तो साड़ी में हमने डिजाइन को लगा के कंप्लीट कर लिया है।
इसके बाद हम इस तरह से एक लंबी पट्टी लेंगे और इसे इस तरह से डबल फोल्ड करके इस पर हम हाथों से सिलाई लगाएंगे और एक सुंदर सा फ्लावर रेडी करेंगे। इस तरह से हम इसमें हाथों से सिलाई लगाते जाएंगे। सिलाई हमने लगा लिया है, अब हम इसे इस तरह से हल्के हाथों से धागे को खींचेंगे। उसके बाद हम इस तरह से इसे जॉइंट करते हुए इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए फ्लावर हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इस फ्लावर को यहाँ पे रखेंगे और इस पर हाथों से सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए सिलाई हमने लगा ली है। अब हम इसके बीच में एक मोती अटैच करेंगे। तो ये देखिए फ्लावर भी हमारा लग के रेडी हो चुका है। इसके बाद हम चॉक की मदद से इसमें इस तरह से डिजाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम इसे इस तरह से पलट लेंगे ताकि हमने जो डिजाइन ड्रॉ किया था वो इसके दूसरे साइड पे भी आ जाए। तो ये देखिए हमने जो ड्रॉ किया था वो इस साइड भी आ गया है। अब हम इसे डार्क कर लेंगे। अब हम लेस लेंगे और इस तरह से इस पर रखते हुए एक सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ से धागे को कट कर देंगे और जो एक्स्ट्रा लेस है इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें एक और सिलाई लगाएंगे ताकि लेस जो हमारा वो गले पे अच्छे से बैठ जाए। तो ये सिलाई भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ से धागे को कट कर देंगे। तो डिजाइन हमारा बनकर रेडी है और ये देखिए इसका लुक कुछ इस तरीके से आएगा।